कोरबा के बाकी मोगरा के मोगरा बस्ती में धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व। छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में इस बार 5 अक्टूबर को दशहरा पर्व बड़ी धूमधाम से एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं दशहरा पर्व के बाद लगातार 15 दिनों तक अनेकों स्थानों से अलग अलग दिनों में दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है, जो 7 अक्टूबर को जिला कोरबा के बांकी मोगरा क्षेत्र अंतर्गत मोगरा बस्ती में दशहरा पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जिला शक्ति क्षेत्र के साकर के कलाकारों द्वारा जगराता का कार्यक्रम किया गया, जिसमें देर रात तक दर्शकों ने अनेक प्रकार के गानों पर झूमते हुए नजर आए। वहीं कार्यक्रम से पहले पूरे मोगरा गांव में राम लक्ष्मण व हनुमान जी की झांकी निकालकर रावण का पुतला दहन किया गया, जिसके बाद जगराता का कार्यक्रम भी किया गया। दशहरा कार्यक्रम में रावण के आसपास व्यापारियों के द्वारा अनेक प्रकार की दुकानें लगाई गई, जिससे दशहरा उत्सव पर पहुंचे दर्शकों ने जमकर खरीदारी की एवं कार्यक्रम को नन्हे मुन्ने बच्चों सहित गांव के बुजुर्गों व युवाओं ने मिलकर सफल बनाया। कार्यक्रम में बाकी मोगरा पुलिस की भी कड़ी नजर रही, जिससे ये कार्यक्रम शांतिपूर्वक सफल हो सका। जी अपना परिचय देंगे। मैं ठाकुर गजेंद्र सिंह, मोगरा बस्ती भीम सिंह सेवा समिति का अध्यक्ष। आज आप लोग के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष की बात ही मोगरा बस्ती में बड़े धूमधाम के साथ दशहरा उत्सव मनाया जाता है। उसी कड़ी में इस वर्ष भी बड़े सुंदर सौहार्दपूर्ण माहौल में भीमसेन सेवा समिति के द्वारा ग्राम मोगरा बस्ती के भीम परिसर में दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। आप लोग द्वारा किस तरीके से तैयारी किया गया था, कितने दिन से? छोटे छोटे बच्चे सफल कार्यक्रम, हम सारे बच्चों की मेहनत थी, साथ में बुजुर्गों का आशीर्वाद था। हमारे त्रिभुवन सिंह कंवर जी हैं जिनका संरक्षण में, इनके आशीर्वाद से और बाकी सारे लोगों की प्रमुख भूमिका थी और सबके सहयोग से इतने बेहतरीन कार्यक्रम हमारे मोगरा बस्ती में इस वर्ष आयोजित किया जा रहा है। आगे भी किस तरीके से इससे भी बेहतर कार्यक्रम आयोजन करने का हम कोशिश करेंगे और माता रानी की कृपा रहे, इसके साथ साथ सारे लोगों का सहयोग रहे। हम इस मीडिया के माध्यम संदेश देना चाहते हैं कि भीमसेन सेवा समिति पिछले 4 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजन करिए, किसी भी प्रकार का कोई वातावरण नहीं है, उपलब्धि है हमारी, सौहार्द वातावरण ये कार्यक्रम होता रहा है। हम आगे भी उम्मीद करेंगे ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये कार्यक्रम संपन्न हो। ओके।